क्योंकि जो आने का जो रूट है कमरिया का वो इतना खराब हो चुका है जिसका जवाब नहीं है। हर जगह जाम, जहाँ 5-10 मिनट में आना चाहिए वहाँ 1 घंटा आदमी जाम में फंसता है। आधा रोड बनाया, आधा बना के छोड़ दिया है, इससे बढ़िया बनाता ही नहीं। वो प्रशासन में कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है 1 महीना के बदला ये व्यवस्था जो है सारा चीज का व्यवस्था 2 महीना का होना चाहिए ये सरकार की तरफ से। साल भर जो इस चौक पर पानी कीचड़ लगा रहता है, प्रशासन मतलब ऑफिसर का कोई ध्यान नहीं है। सावन का पवित्र महीना आ रहा है और देवघर में इस साल भी सावनी मेला का धूमधाम से आयोजन हो रहा है। लाखों श्रद्धालु देश भर से बाबा वैद्यनाथ का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। सावनी मेला जो कि दुनिया का सबसे लंबा धार्मिक मेला है, जो कि लगभग 30 दिनों तक चलता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में सावनी मेला के बारे में। नमस्ते, मेरा नाम है अभिनव और आप देख रहे हैं द डिवाइन ड्यूटी का यह वीडियो। आज हम आ गए हैं सुल्तानगंज, जहां से कावड़ यात्रा की शुरुआत होती है। यहीं से कावड़िया जल भरते हैं और अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। यहां जल भरने की भी बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। श्रद्धालु सबसे पहले गंगा मैया में डुबकी लगाकर खुद को शुद्ध करते हैं, उसके बाद गंगा मैया की पूजा करके जल भरकर बाहर आते हैं। तब जाके उस जल का पंडितों द्वारा मंत्रों के साथ रुद्र अभिषेक किया जाता है, फिर आरती होती है। तब जाके श्रद्धालु माँ गंगा और बाबा अजगैवीनाथ का आशीर्वाद लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए निकलते हैं। आइए जानते हैं वैद्यनाथ धाम जाने के लिए आखिर सुल्तानगंज से ही गंगा जल क्यों भरा जाता है। यहाँ से जल भरने का इसीलिए महत्व है कि वो जो मैंने पहली बात बोल दिया कि बाबा सिद्धनाथ जो यहाँ से जल लेकर के जाते थे तो वो डाक बम जाते थे, तो कांवर लेके सबसे पहला जाने वाले बाबा सिद्धनाथ थे। मंदिर में, मंदिर में जो 3 शिवलिंग आपने देखा, तो 1 शिवलिंग भोलेनाथ का है, पहला शिवलिंग जो बाबा जगन्नाथ और सिद्धनाथ बाबा, और बीच में जो है सो सिद्धनाथ बाबा, वो तो संत का समाधि है। ये केदारनाथ बाबा है और एक सिद्धनाथ बाबा, ये दोनों गुरु भाई थे, दोनों का समाधि है। और सबसे पहले ये जो है तो डाक बम जल वही चढ़ाते थे, इसीलिए जब वो छोड़ दिए तो आपके जैसा मेरे जैसा भक्तगण जो भी जनता जनार्दन था सब आने जाने लगा। पहले 10-5 करके, फिर 20 करके, फिर ऐसे करके 100, फिर 1000 की संख्या, फिर अभी लाखों की संख्या में जाता है। महीना पूरता है तो करोड़ों पार कर जाता है, इतना भक्त का मरिया चलता है। तो ये प्रचार जो चला हुआ है प्रथा, सो उन्हीं का देन है, इसीलिए यही जल बोझता है और यहीं से जाके चढ़ाता है जो यहाँ से जल चढ़ाता है। और बाबा अजगैवीनाथ का पहले दर्शन करके पूजा करके जो यहाँ से जाता है उसका जल जो है भोलेनाथ वहाँ बाबा बैद्यनाथ लेते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सुल्तानगंज यही वो पवित्र जगह है जहाँ से लाखों श्रद्धालु अपने बैद्यनाथ जाने की यात्रा को शुरू करते हैं। यहाँ पे भोलेनाथ अजगैवीनाथ के नाम से विराजित हैं। ये मंदिर सुल्तानगंज के गंगा घाट पर एक पहाड़ पर स्थित है। यहाँ आने वाले जितने भी श्रद्धालु यहाँ से जल भरते हैं वो एक बार अजगैवीनाथ का दर्शन जरूर करते हैं। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना बताया जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इस मंदिर का प्रमाण मिलता है। लोगों का मानना है इस मंदिर से एक रास्ता सीधा देवघर जाता है। हम लोग सुने हैं कि यहाँ पे एक गुफा भी है जो कि सीधा बैद्यनाथ धाम में निकलता है, तो उसके बारे में क्या कहा? गुफा पहले था, गुफा को अब बंद कर दिया गया। उस गुफा से एक महात्मा गए
फिर वो लौट के नहीं आए। वो पहले बाबा सिद्धनाथ भारती के समय की बात है। वो बाबा नित प्रतिदिन वही गुफा से बैद्यनाथ जाकर के नित प्रतिदिन बैद्यनाथ चढ़ाते थे जल, और उन्हीं पर प्रसन्न होकर के तो बैद्यनाथ ही ये सब रूप है अजगैबनाथ। तो बाबा गुफा को बंद क्यों कर दिया गया ऐसा? वो महात्मा गए फिर लौट के नहीं आए। अच्छा। इसलिए हुआ कि इसमें फिर पुनः प्रवेश करेंगे, लौट के नहीं आएंगे, उनके पास सिद्धि उतनी नहीं होगी, नहीं जा पाए, नहीं लौट आए, इसलिए उस गुफा को पहले सुनने में आता है कि इस गुफा को बंद कर दिया। तो अभी मैं कुछ कांवड़ियों से बात करूंगा और उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि वो कैसे यात्रा करते हैं और कितने सालों से वो यात्रा कर रहे हैं, और उनसे बात करके उनसे पूछने की कोशिश करूंगा कि भोलेनाथ का क्या महत्व है और इतने सारे लोग इतने कठिनाइयों का सामना करते हुए उतने दूर तक कैसे यात्रा करते हैं और कैसे वहाँ तक पहुँचते हैं। तो हम लोग के पीछे अभी कुछ कांवड़ियाँ बैठे हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। बाबा कुछ बताइए यहाँ के बारे में, और आप कांवड़ यात्रा कब से कर रहे हैं इसके बारे में? है पहला हम लोग बोलते बारे भैया, आप बताइए कुछ भी बताइए ना, मतलब बोलबम के बारे में या तो अभी यहाँ पे कुछ लोग मतलब अभी बोल नहीं रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह इनसे कुछ बातें करें और कुछ जाने कांवड़ यात्रा के बारे में, ये लोग कैसे जाते हैं वहाँ पे और क्या क्या करते हैं और इनका क्या संघर्ष होता है वहाँ जाने तक। आइए भैया कुछ बोलिए। हर हर महादेव बोलिए। वहाँ पे कैमरा बताइए, आप कब से कर रहे हैं कांवड़ यात्रा? हमारा इस साल 10 साल पूरेगा, मैंने इस बार लेके 10 साल पूर जाएगा हमारा, ये अभी 10 पूरा। हर साल 2-4 घर के नया नया लेके आते हैं, लेके जाते हैं, बाबा का मंदिर में पानी डालते हैं। और बाबा बैजनाथ का जो भी आपके मन में जो महत्व है और क्या कृपा है आपके ऊपर, उनके बारे में बताइए। कृपा तो है, उसको कृपा किसको मालूम, क्या कब कुछ देता है हमको क्या मालूम, वो जब मर्जी जो होता है देता है, लेकिन कृपा तो है, नहीं रहने से हम लोग थोड़ी आएंगे 10 साल से। आप बताइए आप कब से यात्रा कर रहे हैं? 16 साल से। आपका जो कृपा है भोलेनाथ का, उसके बारे में कुछ बताइए, हमारे दर्शक को बताइए क्या क्यों करते हैं लोग इतना मतलब संघर्ष करके उतना दूर क्यों जाते हैं? भोलेनाथ के नाथ से यही कृपा है, जो उसका ही सब कुछ है, मैं हाँ और उसी का बल से हम लोग चल फिरा सकते हैं। मैं बाबा अच्छे तार जो हमारा अच्छी बाबा। आप बंगाली हैं? बंगाली है। आप कहाँ से आते हैं बाबा? मालदा से। मालदा से मतलब इंग्लिश बाजार से कोलकाता? ना मालदा टाउन। हम लोग को तो ज्यादा बंगाल में सिर्फ कोलकाता का जगह याद है, इसीलिए हम लोग तो बड़ा ही है, कोलकाता बड़ा है, कोलकाता बंगाल का मैनचेस्टर, मतलब बंगाल से भी लोग आते हैं बहुत दूर दूर से, ऑल इंडिया से लोग आता है बहुत, हम देवघर आप पूरे भारतवर्ष से आ रहे हैं। आप जब 16 साल से यात्रा कर रहे हैं, मतलब आप बहुत छोटे उम्र से ही यात्रा कर रहे होंगे, मतलब इतने छोटे उम्र से आपको हमको बाबा प्यारा है, हमें उसी का भक्त है भोलेनाथ के। कुछ बंगाली यात्रियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जे हमारा बंगाली यात्री जन, तो हमारा बांग्लाते बोली बंगाली यात्री जन, जे हमारे देव हमारे शिव ठाकुर देव नाई देवर देव महादेव आछे, हमरा ओरी छत्र छायर तले आश्रय निये हमरा हमादेर जीवनटाके निर्धारित करछि, ठीक आछे। आर एकटा कथा होलो कि ना, जे मन और प्राण और तन थेके आमरा हिंदू आछि, आर हिंदू सबथेके बड़ देवता होच्छे आमादेर भोले बाबा महादेव, आमादेर महादेव छाड़ा आमादेर कोनो गति नाइ, एटुकुनटाई बोलते चाहिए आर विशेष किछु। मुझे तो ज्यादा बंगाली नहीं आता है, लेकिन बस भालो अच्छे दादा, ठीक अच्छे, बस इतना ही आता है बंगाली। तो इन बंगाली यात्रियों से भी बात करके बहुत अच्छा लगा, बोलबम जय महादेव। तो अब आपको इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि सारवणी मेला की किस तरह की यहाँ पे तैयारी हो रही है और किस तरह का यहाँ पे व्यवस्था होने वाला है सारवणी मेला में, तो आइए देखते हैं।
तो अभी हम आ गए हैं सुल्तानगंज मार्केट में, जहाँ पे कांवर यात्री के लिए बहुत सारे सामान मिलते हैं, सामग्री मिलते हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ पे कांवड़ियों के की और सारवनी मेला की यहाँ पे किस तरह से तैयारी हो रही है, और आइए जानते हैं यहाँ पे कुछ लोगों से बात करते हैं। तो चलिए जानते हैं यहाँ पे सारवनी मेला की किस तरह से तैयारी हो रही है। ठीक ठाक है। इस बार का मेला कितना खास होने वाला है और कितना मतलब ज़्यादा पिछले साल से बेहतर होने वाला है? कहाँ ऐसा लग रहा है? नहीं लग रहा है? नहीं। किस वजह से? इस वजह से तो इधर जो है अयोध्या लेकर के उसके बाद से जो है बिल्कुल जो है मेला का कोई रुख ही नहीं लग रहा है। क्यों? अयोध्या मेला शुरू हुआ ऐसा कोई रुख ही नहीं ले रहा और मेला घट ही रहा है। यहाँ के प्रशासन का क्या कहना है यहाँ के मेला के बारे में? मतलब यहाँ की प्रशासन क्या कर रही है? समस्या यहाँ है ना, वो समस्या और कहीं नहीं होगा। जो समस्या यहाँ का है वो समस्या और कहीं नहीं होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि जो आने का जो रूट है कमरिया का वो इतना खराब हो चुका है जिसका जवाब नहीं है। हर जगह जहाँ जहाँ 5-10 मिनट में आना चाहिए वहाँ 1 घंटा आदमी जाम में फंसता है। आधा रोड बनाया, आधा बना के छोड़ दिया है, इससे बढ़िया बनाता ही नहीं वो। और आप क्या सुधार देखना चाहेंगे? सुधार क्या, सुधार होना चाहिए हर जगह पे, हर चीज का व्यवस्था होना चाहिए। अभी आना शुरू हो गया है कमरिया, आगे जाके देखिए रोड का क्या दशा है। कमरिया को जो तकलीफ है यहाँ और क्या बताया जाएगा, बहुत समस्या है यहाँ। तो भैया का कहना है कि यहाँ का रोड बहुत खराब हो चुका है और इसके लेकर के हर व्यक्ति आपको ये चीज बोलेगा, जो समाज है यहाँ पे हर समाज बोलेगा ये मेला वाला। मतलब जैसे कांवड़ियों के लिए जैसे सेवा की उपलब्धि वो हर साल की तरह उस सेवा हर जगह धर्मशाला में व्यवस्था। जैसे कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं यहाँ? तो क्या बोलता है, मेडिकल सुविधा और टेंट वगैरह, सुरक्षा कर्मी सब तो रहता ही हर जगह पे, सबका तो बना हुआ है ना। तो बस समस्या ये है कि यहाँ का रोड बहुत खराब है जिसके वजह से आपको क्या लगता है कांवड़ियों को बहुत इस बार जो है ना बहुत कष्ट झेलना होगा कांवड़ियों को, क्योंकि दो दो बाईपास बन रहा है, एक बाईपास तो फिर कांवड़िया को जो वहाँ से 20 किलोमीटर जो है घूम के आना पड़ेगा। ऐसे जो है शॉर्टकट ऐसे आता था तो यहाँ पे ब्लॉक है, मार्केट जमता था यहाँ पे, मगर इस बार जो है बहुत कम उम्मीद है कि इस बार कांवड़िया इधर से आएगा, क्योंकि हम लोग का घर यहाँ से बगल में है, जाने में आधा से 1 घंटा लग जाता है 2 किलोमीटर। हाँ इस बार जो है समस्या होगा ही होगा। धन्यवाद भैया आपका। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे, आप अब की बार की जो सारवनी मेला है उसकी कैसी तैयारी हो रही है यहाँ पे? सावन का मेला तैयारी हो रही है, देखते हैं, बड़ा गड़बड़ मेला की है, सब खिलाड़ सब जो है ढंग से काम नहीं कर रहे है। तो क्या क्या मतलब समस्या क्या क्या है यहाँ पे? समस्या है नहीं कहीं पानी का साधन बढ़िया है, नल है नहीं, चपाकल बढ़िया है नहीं, कहीं रोड भी अच्छी है। अभी हम जैसे बात किए भैया से वहाँ पे, हाँ। तो उनका कहना था कि यहाँ का रोड बहुत खराब है, और रोड तो खराब है, ये सब बता देंगे रोड खराब है, देखते नहीं है रोड का कहीं अच्छी नहीं, मरम्मत नहीं है बाबा, रोड का मरम्मत करवाए, डीएम सीओ आते हैं उनको झलकते नहीं हैं, क्या किया जाए। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे रोड की है, पानी व्यवस्था देखते पानी सब नाला का बहती है सब इधर रोड का, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पे पवित्र स्थल माना जाता है और कांवड़िया जहाँ यहाँ से निकलते हैं तो शुद्ध होकर निकलते हैं, तो ये नाला का पानी तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, रोड को मैंने ऊँचा करना चाहिए। धन्यवाद बाबा आपका। उतना बढ़िया नहीं हो पा रहा है तैयारी, और जो है व्यवस्था जो है भादो तक रहना चाहिए, कांवड़िया जो है भादो में भी उतना ही चलता है। और सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है जो आपको इसमें यहाँ पे सुधार होना चाहिए? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जो है मंदिर घाट में सीढ़ी की सुविधा नहीं है, जो सबसे बड़ी सुविधा है कांवड़िया लोग जो आएंगे जल भरेंगे उसको जो है स्नान करने में सुविधा नहीं है, और रोड यहाँ का जो है बहुत सुल्तानगंज का खराब हो चुका है।
यहाँ प्रशासन के द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है? प्रशासन के तरफ से सुविधा जो उन लोग का जो सेवा रहता है एक महीना का, वो बहुत अच्छा रहता है। प्रशासन में कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है एक महीना के बदला ये व्यवस्था जो है सारा चीज का व्यवस्था दो महीना का होना चाहिए ये सरकार की तरफ से। काफी कवरिया जो है भादों में भी चलती है। धन्यवाद भैया आपका। तो भैया का कहना है कि दो महीने तक ये जो है सार्वनी मेला का जो भी सुविधाएं दी जाती हैं तो उसको एक महीने से बढ़ाकर दो महीने कर देना चाहिए प्रशासन को। देखिए आप क्या तैयारी हो रहा है, यहाँ पे आते हुए बहुत जगह कीचड़ मिला हम लोगों को, साल भर जो इस चौक पर पानी कीचड़ लगा रहता है, प्रशासन मतलब ऑफिसर का कोई ध्यान नहीं है इसमें। पदाधिकारी जो अभी है उनको पैदल रोज चलना चाहिए, तब समझ में आता अचार। अभी तो नाला बन, हमने जितने भी लोगों से बात किया सबका यही कहना है कि यहाँ का रोड अभी बहुत ही खराब है और इसको सुधार, इसमें सुधार होना चाहिए। हम लोग एक YouTube चैनल से हैं द डिवाइन ड्यूटी से, जहाँ पे हम लोग इंडियन कल्चर और बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में बताते हैं, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे दिखाने के लिए आए हैं कि सार्वनी मेला की तैयारी किस तरह से हो रही है और किस तरह से यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है। यहाँ कोई सुविधा नहीं, तो यहाँ बगल में मूर्ति है, पब्लिक सुविधा दे रहे हैं, सरकार का कोई सुविधा नहीं है, लेकिन पब्लिक का सुविधा दे रहे हैं, अपना अपना तैयारी कर रहे हैं। तो जो प्रशासन के द्वारा मेडिकल सुविधा और सुविधा नहीं है, अभी वो सब सार्वजनिक मेला में आएंगे, अपना निपा पुति करेंगे और जाएंगे। भैया हम कालियागंज से आए हैं, उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट से, बंगाल में से। तो यहाँ पर सावन मेला का जो आयोजन किया गया है वो अभी तक तो सावन नहीं आया, इसलिए आपको कैसा लग रहा है कि प्रिपरेशन हो रहा है? हाँ, तैयारी हो रहा है ठीक से, हर साल तो सावन में आता है, इस साल थोड़ा जल्दी आ गए इसीलिए थोड़ा रास्ता घाट का हाल थोड़ा दिक्कत हो रहा है घुसने में। वैसे तो ठीक ही है, बाबा की नगरी दूर है पर जाना जरूर है। तो कहते हैं बाबा की नगरी जाने तक बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन प्रशासन का यही होना चाहिए कि यहाँ का कम से कम कीचड़ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा साफ सुथरा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जो भी यात्रियाँ यहाँ पे यात्रीगण आते हैं और कांवड़ यात्रा करते हैं वो बहुत पवित्र यात्रा होता है, वो गंगा में शुद्ध होकर निकलते हैं और ये नाला का पानी उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा हमारे ख्याल से, तो इसे सबसे पहले ठीक करना चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल द डिवाइन ड्यूटी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और ऐसे ही हम और एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कांवर यात्रा को दिखाएंगे, सावन में किस तरह से कांवर यात्रा किया जाता है उसके बारे में आप लोगों को दिखाएंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, राधे राधे।